असलम डियर स्टूडेंट आई एम प्रोफेसर सैद अरबाफ़ फ़ातिमा वी आर डूइंग यूनिट नंबर सेवन इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्रिक ग्रेड टेंथ टुडे वी आर गोइंग टू सोल्व फ्यू एग्ज़ाम्पल्स यूजिंग द टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ टुडे वी आर गोइंग टू सोल्व फोर एग्ज़ाम्पल्स बाई यूजिंग पैटगोरियन आइडेंटिटीज़ उन आइडेंटिटीज़ को पहले मैंशन कर लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो उनको अप्लाई करते हुए या उनको यूज़ करते हुए फर्स्ट वन इज़ कॉस् के थीटा प्लस साइंस के थीटा इक्वल्स टू वन सेकेंड एज वन प्लस टेन्थ के थीटा इक्वल्स टू के थीटा थर्ड वन प्लस के थीटा इक्वल्स टू कॉ सिकेंड थीटा ये थ्री आइडेंटिटीज़ आपको लर्न होनी चाहिए ज़बानी याद होनी चाहिए तभी आप किसी भी क्वेश्चन में इसको पुट करके सॉल्व कर सकते हैं इतना कोई ट्रिकी नहीं है देखें पहले में रिलेशन किसका है कॉज का और साइन का है उसके बाद दूसरा है टेन का और सीकेंड का मतलब ये दोनों तो ऑलमोस्ट सिमिलर है ना बस यहाँ पे आपने इनको चेंज किया हुआ वन प्लस टैंस केयर है और यहाँ पर क्या है वन प्लस कॉड स्केयर है वन प्लस टैंस केयर किसके इक्वल है सीकेंट स्केर थीटा के और वन प्लस कॉड स्केयर किसके इक्वल है सीकेंड स्केयर सीटा के ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एग्जांपल नंबर 1 वेरीफाई दैट कॉट थीटा सेकेंट थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा एग्जांपल 1 को सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 1 क्या गिवन है हमारे पास व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट व्हाट वी हैव टू वेरीफाई दैट कॉट थीटा सेकेंट थीटा इक्वल्स टू कोसिकंड थीटा कोसिकंड थीटा के हमने इसको इक्वल uh, पुट करना है तो अब हम जब भी वेरिफिकेशन करते हैं या जब भी हमने राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना हो तब हम बेसिकली उस, उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं राइट right और लेफ्ट को क्योंकि हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि दोनों साइड्स के हैं सेम जब दोनों ही साइड सेम आंसर दें ऑब्वियसली इट मीन्स दे आर इक्वल और हमारी वेरीफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो अपनी वेरीफिकेशन के लिए सबसे पहले क्या लेंगे दिस इज़ द राइट हैंड साइड एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड तो हम सबसे पहले कौन सा साइड ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास कॉट थीटा इंटू सिकेंड थीटा सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड और अब हम इसको पुट कर देंगे हमें पता है कॉट थीटा किसके इक्वल होता है पहले तो हमें पता होना चाहिए टेन थीटा किसके इक्वल है यहाँ पर थोड़ा सा पहले मैंशन करके फिर हम आप क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा अगर टेन थीटा इसके इक्वल है तो कॉट क्या होगा इसका इन्वर्स है तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा बाय साइन थीटा एक तो हम ये टर्म यूज़ करेंगे सो सिकेंड थीटा इक्वल्स टू वन ओवर सिकेंड इन्वर्स है हमारा cos का सो सिकेंड थीटा इक्वल्स टू वन आवर कॉज थीटा ओके अब इसको हम पुट कर देते हैं अपनी कॉड की जगह हम क्या पुट कर देंगे कॉज थीटा बाय साइन थीटा इन टू सिकेंड थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे वन आवर कॉस थीटा ओके लुकेट हियर कॉस विल कैंसल आउट विथ कॉज हमारे पास बच क्या जाएगा बच जाएगा हमारे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ तो बच जाएगा वन ओवर साइन थीटा एंड वी नो दैट वन ओवर साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंड थीटा सो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कोसकेंड थीटा तो हमने यही प्रूव करना था कॉड थीटा इन टू थीटा इक्व टू कोसिकंड थीटा और ये हमारे पास कौन सी आ गया पहले हमने ली थी लेफ्ट हैंड साइड अब हमारे पास कौन सी आ गई है राइट हैंड साइड देन हैं प्रूव्ड फिर हम क्या लिखेंगे प्रूव्ड क्या प्रूव किया हमने यही जो हमारी कंडीशन थी हम उसको प्रूव कर चुके हैं सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर टू एग्जांपल नंबर टू में हमने क्या प्रूव करना है एग्जांपल नंबर टू में हमने प्रूव करना है टेन टू द रेस पार फोर प्लस टेन स्केयर इक्वल्स टू टेंकेयर इन टू सीकेंड स्केयर इसमें भी हम वही काम करेंगे जिसमें हमने पहले किया राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लेके तो हम कौन सी साइड ले रहे हैं दिस इज द राइट हैंड साइड एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड तो हम कौन से ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड लेफ्टाइड लिख लेंगे फोर थीटा प्लस टेंकेयर थीटा ओके अब आप देखें इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है टेन फोर को मैं लिख सकती हूँ टें थीटा इन टू टें थीटा और इसी तरीके से ये टें थीटा तो एज इट इज आ जाएगा अब देखें हमें आसानी से समझ में आ रही है पता चल रहा है कि इन दोनों टर्म्स में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है द कॉमन थिंग इज टें थीटा अब टें थीटा इन दोनों में क्या है कॉमन है तो यह, यहां से अगर मैंने टेन स्केयर थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा टेन स्केयर थीटा बचा और यहाँ पे क्या बच गया जब एज इट इज पूरी की पूरी टर्म बाहर कॉमन है तो क्या बचेगा यहाँ पे वन कॉमन का मतलब ये है कि हम उसको सेपरेट कर रहे हैं उस चीज को उतने से पार्ट को अपनी आसानी के लिए इसको मैं लिख लेती हूँ टेन थीटा प्लस को लिख लेती हूँ वन प्लस थीटा हमें पता है वन प्लस थ्री और थ्री प्लस वन आंसर क्या होता है सेम होता है तो उसको यूज़ करते हुए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अब हमें पता है हम यहाँ पे कौन ये कौन सी आइडेंटिटी है जो हम यूज़ कर रहे हैं वी नो दैट वन प्लस टें थीटा इक्व टू सीकेंड्स के थीटा इसको इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे टें थीटा इंटू अर थीटा और हमारे पास यही हमने चीज प्रूव करनी थी और ये क्या आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ सो दिस इज एग्जांपल नंबर टू एग्जांपल नंबर थ्री इज वट वी हैव टू प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव दैट कॉट स्केयर एल्फा बाय माइनस वन स्केयर अल्फ़ा बाय कोसिकेंट अल्फ़ा माइनस वन इक्वल्स टू कोसिकेंट अल्फ़ा प्लस वन इसको हमने क्या करना है प्रूफ करना है इस क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करके चलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चल रहे हैं यहाँ पे वो क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ट स्केय अल्फा बाय कोसिकेंट अल्फा माइनस वन ओके यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं हमारे पास ये वाली जो आइडेंटिटी थी वन प्लस कॉट स्केयर थीटा इक्व टू कोसिकट स्केर थीटा इस वैल्यू को यहाँ से हम क्या करेंगे यूज़ करेंगे वी नो दैट वन प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू कंट थीटा तो इसको मैंने जिस तरह के मैंने आपको जब हमने आइडेंटिटीज डिराइव की थी बताया था कि हम आइडेंटिटीज़ को डायरेक्टली भी यूज करेंगे और सम टाइम्स हम अपने रिक्वायर्ड जो उसमें से होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको सेपरेट करके बाकी पूरी टर्म को सेपरेट करके हम उसको भी यूज़ करेंगे जिस तरीके से यहाँ पे हमें सिर्फ कॉड स्केयर की वैल्यू चाहिए तो मैं कॉड स्केयर को इधर ही रहने दूंगी और वन को उस साइड पर मूव करवा दूंगी जब वन यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है प्लस तो जैसे ये उस साइड पर मूव करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस सो so, कॉट स्केयर थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगीटा माइनस वन इसको हम क्या कर देंगे इस जो हमारे पास साइड है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे पुट कर देंगे तो कॉड स्केयर की जगह हम पुट क्या कर देंगे कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस वन अपॉन कोस ओके okay. अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखते हुए कि यहाँ पे हम एंगल थीटा नहीं ले रहे यहाँ पे हम एंगल क्या ले रहे हैं अल्फा तो हम यहाँ पे उसको भी चेंज कर देते हैं अल्फ़ा में ही दिस इज़ इन अल्फ़ा ओके हमारे पास जो रिमेनिंग है डिनोमिनेटर को राइट कर दिया अब एक और बात हमें पता है वन की कोई भी पावर हो कोई भी हम पावर हो तो हम वो किसके इक्वल होती है वन के ही इक्वल होती है तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ तो मेरी न्यूमिनेटर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वन स्केर इज ऑल्सो इक्वल्स टू वन कोसिकेंट अल्फा माइनस वन और यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हमें पता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी इसको यहाँ पे यूज करेंगे यहाँ पे अब ए क्या है दिस इज ए और बी क्या है दिस इज बी सो इट बिकम्स क्विकेंट अल्फा प्लस वन कोसिकेंट alpha माइनस वन अपॉन कोसिकेंट अल्फ़ा माइनस वन अब क्या करेंगे हम इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे कैंसल आउट कर देंगे तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा कोसिकेंट alpha प्लस वन अब देखें ये क्या है के कोसिकेंट अल्फ़ा प्लस वन है तो क्या हमें यही प्रूफ करना था yes हमें exactly यही चीज़ प्रूफ करनी थी तो ये हमारे पास क्या आ गई राइट हैंड साइड हैंड्स सो दिस इज एग्जांपल एग्जांपल नंबर नाउ नंबर फोर लुक एट द एग्जांपल नंबर फोर एग्जाम्पल नंबर फोर में उन्होंने क्या कहा है ये थोड़ी सी डिफरेंट है इसको जरा देख लेते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद एक कंक्लूजन जो है वो मैं आपको बताऊंगी पहले हम इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद वो एक जनरल कॉन्क्लूजन है जो कि हमने अपने डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर डिराइव किया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ थीटा क्या कहा है उन्होंने कहा है कि सारी जितनी की जितनी हमारे पास छः की छः ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन हैं या टिग्नोमेट्रिक जो हमारे रेशोज हैं उसको किस में चेंज करें थीटा में चेंज करके दिखाएं तो हम अब वही स्टार्ट करेंगे अब पहले तो हम टेन थीटा ही लिख लेते हैं ना tan थीटा तो इट्स सेल्फ टैन थीटा ही है अब हम देखते हैं सबसे पहले चेंज कर लेते हैं cot को cot थीटा इज बेसिकली वन ओवर टेन थीटा cot चेंज हो गया टेन में ओके cot को भी चेंज कर दिया हमने cot के बाद अब हम दूसरी जो टर्म्स हैं उनकी तरफ मूव करते हैं अब हम लिखते हैं साइन थीटा अब साइन थीटा के लिए हम क्या देखते हैं हमारे पास हमें पता है कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो अगर हम यहाँ से साइन को इसमें लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ट थीटा या पहले हम इसको लिख लेते हैं टेन थीटा कोस थीटा अब देखें साइन को हम लिख सकते हैं टेन में लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रही है कॉस तो हमें क्या करना पड़ेगा कोस को रिमूव करना पड़ेगा कोस को रिमूव करने के लिए हम इसको कह देते हैं इसको कोई भी नेम दे देते हैं इसको सपोज इन केस कहते हैं वन अब हम इसमें क्या करेंगे सबसे पहले कॉज की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे जिसमें टेन ही आता हो उसके लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे सेकेंड वाली सेकेंड आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेकेंड आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए वन प्लस टेन स्केयर थीटा इक्व टू सकेंड स्केयर थीटा ओके उसके बाद क्या करेंगे हम अब यहाँ पे क्या ले लेंगे स्केयर रूट सिकेंड थीटा इक्व टू वन प्लस टें थीटा ये हमारे पास क्या आ गई है सिकंड थीटा के आ गया अंडर रूट वन प्लस टेंथ केयर थीटा और हमें पता है क्योंकि हमने अंडर uh, रूट को यूज़ किया है तो हमारे साथ साइन कौन कौन से आ जाएंगे प्लस माइनस दोनों ही आ जाएंगे लाइक like दिस ये तो हमारे पास हमने किस किस को चेंज कर लिया हमने cot को चेंज कर लिया टेन में हमने सिकेंड को कर लिया अब इसी को इसमें यूज़ करेंगे तो हमारा साइन भी किस में चेंज हो जाएगा टन में अब इसको यूज़ करने के लिए हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे हमें पता है कि हमारा सिकेंड थीटा किसके इक्वल है वन ओवर कॉस थीटा के या कॉस थीटा इक्वल है वन ओवर सिकेंड थीटा के कॉस थीटा इक्वल्स टू वन ओवर सिकेंड थीटा तो कॉज की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस थीटा इक्वल्स टू वन ओवर इस प्लस माइनस नीचे लिख दें आप ऊपर ही लिख दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ये आ जाएगा वन प्लस टें थीटा अब हम जिस चीज़ को टिक कर रहे हैं उसको हम चेंज करते जा रहे हैं टेन में हम किस को चेंज कॉड को चेंज कर चुके हैं हम सेकेंड को कर चुके हैं हम कॉज को कर चुके हैं अब कॉज की वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूँगी वन में तो ये किस हमारा जो ये टर्म है जो साइन है वो भी किस में चेंज हो जाएगा टेन में पुट इन वन तो हमारे पास जो साइन की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस माइनस इट बिकम्स लाइक दिस अंडर रूट वन प्लस टेन टें थीटा अब हमारी कौन कौन सी टर्म्स हो चुकी हैं चेंज हमारी टर्म हो चुकी है कॉट हो गया है कॉज हो गया है सेकेंड हो गया है साइन हो गया है तो हम इसको भी टिक कर देते हैं अब साइन का इन्वर्स क्या होता है कोसिकेंड साइन थीटा इक्वल्स टू वन आवर कोसिकेंड थीटा तो इसी तरीके से हम कोसिकेंड की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे कोसिकंड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास कोसिकंड थीटा इक्वल्स टू अब हम साइन की वैल्यू को इन्वर्ट कर देंगे प्लस माइनस वन प्लस थीटा अपॉन थीटा तो हमारे पास कौन कौन सी हैं टर्म्स जो हमने कर ली हैं टेन में कन्वर्ट दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड द लास्ट एंड द फाइनल इज केंट अब हमने क्या किया है हमने इन सारे जितने भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे हम उसको किस में कन्वर्ट कर चुके हैं हम उसको कन्वर्ट कर चुके हैं टेन में अब मैंने कहा था कि लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद मैं आपको एक कन्क्लूजन ड्रॉ करके कर दूँगी वो कन्क्लूजन ये है कि हम छः की छः टिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास फंक्शंस हैं उसको हम छः के छः को किसी भी एक में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं तो अब आपने करना क्या है अब मैंने तो सिर्फ आपको टेंथ थीटा में एक्सप्रेस करके दिखाई हैं सारे डिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अब एज अ होमवर्क एज एन प्रैक्टिस अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स uh, अब आपने बाकी डिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबको कन्वर्ट करके देखना है क्या वो कन्वर्ट हो जाती हैं या नहीं सेम इसी मैथड को फॉलो करेंगे इनवर्स की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करेंगे और दूसरी जो हमने यूज़ करनी है वो है ये थ्री आइडेंटिटीज जिस आइडेंटिटीज़ को आप यूज़ करते हुए किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में छः के छः ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं टुडे वी हैव सॉल्व फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर वन एग्ज़ाम्पल नंबर टू एग्जाम्पल नंबर थ्री एंड एग्जाम्पल नंबर फोर और एग्ज़ाम्पल नंबर फोर में हमने देखा किस तरीके से हम किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिख सकते हैं तो इसी तरीके से खुद से कई क्वेश्चन जनरेट करें और बाकी आइडेंटिटीज़ को भी लिखने की कोशिश करें सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर सेल्फ अल्लाह हाफ